सर कैसे हवा है पंजाब में? बहुत अच्छी है और लोगों ने बड़े चाव से बड़े विश्वास के साथ मान साहब को मुख्यमंत्री बनाया। अब इस चुनाव के जरिए भगवंत मान के और आम आदमी पार्टी के और हाथ मजबूत करेंगे। अभी जो वादे रहते हैं कितनी देर में पूरे होंगे? लोगों को बहुत जल्दीबाजी है। अभी देखो 1 जुलाई से आपका बिजली फ्री होने वाली है और मुझे बताया गया, मैं जिक्र कर रहा था कि बजट में स्कूलों का और अस्पतालों का मोहल्ला क्लिनिक का भी ऐलान होने जा रहा है। सर हरियाणा और इंतजार हिमाचल की इलेक्शन पे भी इसका कोई इंपैक्ट पड़ेगा? जरूर, सारा देश अब देख रहा है, सारा देश आम आदमी पार्टी की तरफ देख रहा है। आप आइए, चलिए। सर अग्निपथ पर क्या कहना चाहते हैं? बहुत गंदी स्कीम है, मतलब दोनों मैंने जो सुना है कि इससे सेनाओं की कैपेसिटी पे भी असर पड़ेगा। मैं बहुत सारे टीवी में देख रहा था, रक्षा विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि सेना की लड़ने की क्षमता पे भी असर पड़ेगा, जो कि देश के हित में नहीं है। और सरकार ने शायद ये कदम केवल और केवल पैसा बचाने के लिए किया है। देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। देश की सुरक्षा के लिए अगर हमें 1 जून रोटी कम खानी पड़े तो देश खा लेगा, लेकिन देश की सुरक्षा के में पैसे बचाना जो है वो सही नहीं है। और दूसरा, नौजवान जो हैं वो भी बहुत नाराज़ हैं, सारे नौजवान नाराज़ हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को इसे वापस लेना चाहिए। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ सेंटर को लेके जा रहे हैं, लोग विरोध कर रहे हैं पंजाब के। बिल्कुल, मान साहब ने भी कल विरोध किया इसका और ये नहीं करना चाहिए उनको। थैंक यू।